भाजपा को लगा अब तक का सबसे तगड़ा झटका। 35 बीजेपी नेताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। वसुंधरा और मोदी को लगा गहरा सदमा। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत कर रही हैं। सभी विधायक भी अपने इलाके में प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। चुनावी संग्राम से पहले अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा है। इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 35 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये सभी लोग विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बताते चले कि नौरतन जीनगर ने बताया, अभयपुर घाटा क्षेत्र में 7 करोड़ के शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत के समक्ष नगर परिषद सभापति संदीप पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह भाटी की उपस्थिति में सरपंच रघुवीर सिंह जीएसएस अध्यक्ष शैतान सिंह के नेतृत्व में 2.5 दर्जनों युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य करने का संकल्प भी लिया। राज्य मंत्री ने युवाओं को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बताते चले, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर ग्राम पंचायत अभयपुर के करीब 2 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। युवाओं ने कहा कि राज्य मंत्री द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक गांव में भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में युवाओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम के दौरान सभी स्थानों पर संबोधन में सुनने में आता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी की सरकार जनहित के कार्य कर रही है। बता दें, उसे राजस्थान की जनता का समुचित विकास और पहचान राज्य स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय सत्र पर हो रही है। राज्य के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों का लगातार स्थान मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने युवाओं पर कुठाराघात किया है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर देश बेचने का काम भाजपा कर रही है। इन सब से परेशान होकर हम राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।